मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर ट्रिश को देखते हैं। वो अमेरिका के नाकर गोवा में फंसी हुई होती है। ये टाइम पैंडेमिक का दिखाया गया है, तो वहां से वो बाहर भी नहीं निकल सकती। इसी वक्त उस कंट्री में रिवॉल्यूशन भी चल रही है और इसी वजह से हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। वो एक जगह पर ड्रिंक लेने के लिए गई, पर एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल था। उसे नोटिस कर दिए और उसे भागने के लिए वो बाथरूम में चली गई। वो आदमी आकर डोर पर नॉक करने लगता है, कहता है कि मुझे पता है कि तुम अंदर हो, जब तक तुम बाहर नहीं आती तब तक मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगा। अंदर त्रिश रोने लग गई, फिर वो गिव अप कर बाहर आ जाती है। वो एक्चुअल में इसे जानती थी और वो दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके लिए वो उसे पैसे भी देता है। वो उसे कहता है कि तुम बहुत ही पतली होती जा रही हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। त्रिश ने उसे कहा कि मुझे टैल्कम पाउडर चाहिए, पर उसके पास ये नहीं था। इस कैरेक्टर को सब्टिनांटे नाम से बुलाती है, तो हम भी उसे यही बुलाएंगे। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा प्रेस कार्ड चाहिए, इसका मतलब है त्रिश एक रिपोर्टर थी। वो त्रिश से कहता है कि अब तुम एक जर्नलिस्ट नहीं हो। उसके प्रेस कार्ड को ढूंढकर उसने ले लिया। वो कहता है कि इस प्रेस कार्ड पर मेरा नाम भी आता है, मैं तुमसे कनेक्टेड अब नहीं हो सकता क्योंकि चीजें बहुत ही डेंजरस हो चुकी है। यहाँ पर आने के पहले त्रिश से कॉन्टेक्ट करने की उसने बहुत कोशिश की थी, पर त्रिश ने उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। वो उसे पैसे दे देता है और वहां से चला गया। वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती थी और हैंडल करना त्रिश के लिए जरा हार्ड हो जाता था। इसी वजह से एक होटल में आती थी। इस होटल में वो ड्रिंक लेती है और वहां पर एक ब्रिटिश आदमी बैठा हुआ था, इसका नाम था डैनियल। उसे सिगरेट के लिए पूछती है। उसने पूछा कि तुम कहाँ से हो। डैनियल कहता है कि मैं लंदन से हूँ। डैनियल भी उसे पूछता है कि तुम कहाँ से हो। त्रिश कहती है कि मैं यहाँ वहां भटकती रहती हूँ। त्रिश ने कहा कि हमारे पास ड्रंक होने के लिए 45 मिनट्स है। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग गए और एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। डैनियल पूछता है कि तुम यहाँ पर आई क्यों। त्रिश कहती कि मुझे जानना था कि हेल क्या होती है। वो कहती कि मैं एज ए रिपोर्टर यहाँ पर आई हुई थी। डैनियल कहता है कि यहाँ पर हर कोई एज अ प्रेस ही आता है। डैनियल एक ऑयल कंपनी के लिए यहाँ पर सर्वे करने के लिए आया हुआ था। वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है या नहीं ये देखना चाहता था। त्रिश से कहती है कि अगर तुम मुझे पे करोगे तो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। डैनियल इसके लिए मान जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। त्रिश ने डैनियल से कहा कि मुझे डॉलर्स में पे करना, क्योंकि वहां की जो करेंसी है उसे उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं थी। इंटीमेट होने के बाद डैनियल उसे ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहा था, तो त्रिश वहां से जाने लग गए। त्रिश को लग रहा था कि उसे पीछा छुड़वाने की वो कोशिश कर रहा है, पर डैनियल कहता है कि ऐसा नहीं है। वो कहता है कि मैं हमेशा किसी न किसी पर तो चीट करता रहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। त्रिश फिर यहीं पर रुक जाती है। वो कहती कि अगर तुम्हारे पास फिर से पैसे होंगे तो हम दोनों बार बार मिल सकते हैं। वॉशरूम में उसने डैनियल की बैग देखी। इस बैग में उसे गन दिखती है। ये गन वो फिर से अंदर रख देती है। इसके बाद वो वहां से चली गई। वो एक छोटे से मोटेल में रहती थी। पैसों के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा है और इस वजह से वो बहुत रोती है। अगले दिन वो कॉल करने के लिए एक इंटरनेट कैफे में गई। उसे जरा इमरजेंसी थी तो एक्स्ट्रा पे कर वो कॉल पर बात करती है। यहाँ पर जिस न्यूज़पेपर के लिए वो काम करने के लिए आई हुई थी उसी के हेड से वो बात कर रही थी। उसे कह रही थी कि इस रिवॉल्यूशन में यहाँ पर एक्चुअल में जो भी चल रहा है इस सब के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे सकती हूँ। न्यूज़पेपर हेड कहता है कि मुझे इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। त्रिश कहती कि यहाँ पास ही कोस्टा रिका है, वहाँ के 5-स्टार होटल से मैं तुम्हें वहाँ की न्यूज़ दे सकती हूँ। न्यूज़पेपर हेड कहता है कि मैंने पहले तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिए थे ताकि तुम फिर से मुझे कॉन्टैक्ट ना करो, पर ये ज़्यादा वर्क नहीं करता, इस बार उसे हेल्प नहीं करने वाला था। त्रिश कहती कि मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ, तुम्हें मुझे हेल्प करनी चाहिए। वो कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ टेम्पररी काम पर रखा था। इस बात से त्रिश बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी। वो बाहर आकर होटल के सामने की जगह पर ड्रिंक करती है। वहां पर वो देखती है कि डैनियल एक पुलिस ऑफिसर के साथ मीटिंग कर रहा है। होटल के अंदर आकर उन दोनों को नोटिस करती है। दूर से डैनियल ने उसे देखा पर उसे इग्नोर कर देता है। मीटिंग के बाद डैनियल के साथ जो पुलिस ऑफिसर था वहां से चला जाता है। डैनियल त्रिश के पास आया। कहता है कि मैं तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रहा था। त्रिश कहती कि तुम मुझसे कोई कांटेक्ट क्यों रखना चाहोगे। डैनियल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें मुझसे दूर रखना चाहता था। त्रिश पूछती है कि तुम्हारा फ्रेंड कौन था। डैनियल कहता है कि उसका भी एक प्रोजेक्ट है। त्रिश ने कहा कि वो कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, तो यहाँ का एक लोकल कॉप है। वो किसके लिए काम कर रहा है इसके बारे में भी त्रिश को पता था। ये सब सुनकर डैनियल डर गया था। डैनियल कहता है कि तुम मुझसे बात करते हो, मुझसे आंखें भी नहीं मिलाती, तुम खुद को बहुत घटिया समझती हो और इसी वजह से सब लोगों को तुम नीचा दिखाना चाहती हो। त्रिश सब्जेक्ट चेंज करती है और कहती है कि तुम्हारे पास गन है, तुम उस पुलिस ऑफिसर को शूट कर सकते हो। डैनियल अब भी उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। त्रिश कहती कि अगर हम इस होटल को छोड़ दे तो हमारा पीछा करेगा, तब तुम उस पर बिलीव कर सकते हो। डैनियल उसके साथ आने के लिए रेडी हो जाता है। त्रिश इस सब चीजों के लिए उससे पैसे लेती है। वो बाहर आए और एक कैब में बैठते हैं।
क्रिश ने कहा कि अब वो लोग हमारा पीछा करेंगे। जैसा उसने कहा था वैसा ही हो रहा था। अचानक से बहुत ज्यादा बारिश आने लग गए, इस वजह से पुलिस उनका सही से पीछा कर नहीं पाते। त्रिश को शैम्पू खरीदना था और इसी वजह से एक मार्केट में वो चले गए। वहां पर उसे अलग अलग चीजें दिखाती है। त्रिश कहती है कि तुम यहाँ पर एक्चुअल में आए क्यों हो। डैनियल के पास गन थी, इसका मतलब वो बिजनेसमैन नहीं है। डैनियल कहता है कि यहाँ पर इलेक्शन सही तरीके से हो, बस मैं ये चीज देखने के लिए आया हूँ। त्रिश कहती है कि इलेक्शन तो होने नहीं वाले, वो फिर से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ के लोग फिर से अमेरिका को ही ब्लेम करेंगे। डैनियल कहता है कि ऐसा नहीं होगा, अभी भी लोगों में इंटीग्रिटी है। डैनियल को यहाँ की चीजें पता नहीं थी, त्रिश इस बात पर सिर्फ हंस देती है। कैब ड्राइवर को उन्होंने ऑलरेडी वेट करने के लिए पैसे दिए थे, तो फिर से कैब में आ जाते हैं, कुछ बियर बाय करते हैं और एक दूसरे के साथ अपना टाइम बहुत ही अच्छे से स्पेंड करते हैं। त्रिश डैनियल को अपने होटल पर लेकर आई। डैनियल उसे कहता है कि तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम्हें कितने भी प्रॉब्लम आए पर फिर भी तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। वो हर एक पल को एंजॉय करना जानती थी। होटल रूम में डैनियल ने और एक दरवाजा देखा। डैनियल त्रिश से कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, इसी मिस्टेक की वजह से उसे भागना पड़ रहा है। वो दोनों रात साथ में बिताते हैं। मॉर्निंग में त्रिश डैनियल से कहती कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, अगर पुलिस ने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें मार डालेंगे। जिस मॉडल में त्रिश रह रही थी उसके ओनर उसे पूछती है तुम यहाँ से कब जाने वाली हो। त्रिश उसे कॉल करने के लिए टेलीफोन मांगती है, तो पहले तो उसे मना करती है पर त्रिश ने इंसिस्ट किया। उसने एक आदमी को मिलने के लिए कॉल किया था, वो फिर आफ्टरनून में उसे मिलने के लिए चली गई। उसे कहती कि प्लीज मुझे यहाँ से मेरी कंट्री में वापस भेज दो। ओल्ड मैन एक इन्फ्लुएंशियल आदमी था और त्रिश का एक क्लाइंट भी रह चुका था। उसके कनेक्शन से त्रिश को प्लेन टिकट मिल सकता था, इसके लिए उसे US डॉलर चाहिए होंगे पर उसके पास वो नहीं थे। उसे कहता है कि जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते, बहुत ही डेंजरस है। एक्चुअली त्रिश ने यहाँ की सिचुएशन की वजह से एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल लिखा था और इसी वजह से पुलिस उस पर नजर रखे हुए थे। उसी इसका बहुत पछतावा था पर अब वो यहाँ पर फंसी हुई थी। उसे बहुत रिक्वेस्ट कर दिया पर फिर भी वो आदमी उसे हेल्प नहीं कर सकता था। त्रिश से मिलने के लिए सब्टिनांटे वहां पर आ जाता है। अंदर डैनियल था तो पीछे के दरवाजे से वो बाहर आ गया। वो टैक्सी से अपने होटल तक आता है, वहां पर बहुत सारे पुलिस थे, उसे उसके मोबाइल से ट्रैक कर सकते थे और इसी वजह से उसने सिम कार्ड निकाल दिया। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मोबाइल आप मुझे दे सकते हो, वैसे भी डैनियल इसे फेंकने वाला था। डैनियल उसे कहता है कि ट्रेसेबल है, तुम इससे ट्रबल में आ सकते हो। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि मुझे इसे अनट्रेसेबल बनाना आता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ मुझे मोबाइल दे दो। डैनियल फिर मोबाइल उसे दे देता है। अब डैनियल अपने होटल में नहीं जा सकता था तो वापस आ जाता है। ओल्ड मैन के जिस आदमी के साथ कनेक्शन थे उस आदमी से त्रिश डायरेक्टली मिलने के लिए गई। वहां पर बाहर कुछ लोग थे जो उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे पर वो इंसिस्ट करती है। थोड़ी देर में उस आदमी से वो बात करती है। उसके पास लोकल करेंसी में बहुत सारे पैसे थे पर अब उसे डॉलर्स चाहिए, इसी वो अपना प्लेन टिकट बाय कर सकेगी। वो आदमी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा पासपोर्ट चाहिए। त्रिश उसे दे नहीं सकती थी। उस आदमी ने कहा कि विदाउट पासपोर्ट में तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। त्रिश फिर से ओल्ड मैन से मिलने के लिए गई। ओल्ड मैन उसे कहता है कि उस ब्रिटिश आदमी की वजह से तुम ट्रबल में हो, अब वो उसे कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता था। त्रिश को पता था कि डैनियल होटल का है तो उसे वो कॉल लगाती है। वहां से उसे पता चलता है कि डैनियल ने ऑलरेडी चेकआउट कर लिया है। वो अपने मोटेल में वापस आकर बहुत रोती है। उसे लगता है कि डैनियल भी उसे छोड़कर चला गया। डैनियल त्रिश के मोटेल में रुका हुआ था। त्रिश उसे होटल से चेकआउट करने के बारे में पूछती है। डैनियल कहता है कि मैं तो अंदर भी नहीं गया था। वो त्रिश को सहारा देता है। त्रिश ने उसे कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस तुम्हारे पीछे है, तुमने उनके बारे में मुझे कभी भी बताया नहीं था। डैनियल कहता है कि मुझे भी अभी पता चला, क्यों लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। डैनियल कहता है कि होटल में मेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों उन्हें लाने में तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। त्रिश कहती कि मुझे पता है कि डिसीजन में रिग्रेट करूंगी पर फिर भी वो डैनियल को हेल्प करने के लिए रेडी थी। उसे कहती कि क्या तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है जिससे तुम प्लेन टिकट बाय कर सकते हो। डैनियल कहता है कि मेरे पास एक पर्सनल कार्ड है पर वो होटल में ही है। रात में लेट हो गया था और डैनियल खुद होटल में जा रहा था। त्रिश उसे कहती कि प्लीज मत जाओ, तुम डेंजर में हो। डैनियल मानता नहीं तो त्रिश भी उसके पीछे पीछे आई। वो एक जगह पर ड्रिंक करते है, एक खाली जगह थी तो मिलकर डांस भी करते है। इसके बाद वो होटल के बाहर आए। जिस टैक्सी से मॉर्निंग में डैनियल आया था, जिस ड्राइवर को उसने फोन दिया था, वो ड्राइवर अब मर चुका था। उसकी डेथ का रीजन वो फोन ही था। इस वजह से डैनियल बहुत डर जाता है और वो होटल में नहीं जाता। अगले दिन वो फिर से मोटेल की ओनर से एक फोन कॉल करने के लिए मांगते हैं पर उन्हें मना कर रही थी। त्रिश बहुत रिक्वेस्ट करती है तो एक कॉल उन्होंने उसे करने दिया। होटल के रिसेप्शन से उसे पता चलता है कि डैनियल की कंपनी के लोगों ने उसका चेकआउट करवा लिया था। ये सारी चीजें पुलिस ने की थी पर डैनियल का अब चेकआउट हो चुका था, उसका सारा सामान उन्हीं के पास था।
बाहर उस पुलिस की गाड़ी लगती है। त्रिश से वो बात करने के लिए उसे बुला लेता है। उसे उसका नाम पूछता है और कहता है कि तुम डेंजर में हो, तुम जिस आदमी को अपने पास रख रही हो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम लोग जो भी करोगे इस सब पर मेरी नजर रहेगी। उसे धमका कर वहां से भगा देता है। उन्हें होटल में वापस आए ये सारी बातें वो डैनियल को बताती है, कहती कि हमारी बातें सुनी जा रही है। वो जल्द से जल्द वहां से भागना चाहते थे। डैनियल के पास उसका कार्ड था पर ये भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। डैनियल ने कहा कि क्या ऐसा कोई है जो हमें हेल्प कर सकता है। ट्रिश ने कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे कॉन्टेक्ट अब मुझसे बात नहीं कर रहे। वो बहुत ही वरीड हो गई थी। तो डैनियल उससे कहता है कि तुमसे प्यार करता हो। वो बाहर आकर एक आदमी से गाड़ी के बारे में बात करते हैं। उस गाड़ी का काम चल रहा था तो अगले दिन वो वहां से निकलने वाले थे। रात में डैनियल ने त्रिश से कहा कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी फील किया है वो कभी भी अपनी वाइफ के साथ नहीं किया। अचानक से बाहर आग लग गई थी, जिस कार से वो जाने वाले थे उसे जला दिया गया था। इस सब से होटल की ओनर डर गई थी। उन्हें कहती कि तुम लोग यहाँ पर हो तो मेरा मोटेल भी जला दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। जल्दी से डैनियल और वो बाहर निकलते हैं और डैनियल ने गाड़ी को तोड़ दिया, उसे हॉट वायर कर वहां से वो भाग जाते हैं। डैनियल कहता है कि मेरी वजह से तुम ट्रबल में आ रही हो, तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिश पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता पता है। डैनियल कहता है कि नहीं। अब वो डायरेक्टली कोस्टा रिका जाना चाहते थे जहाँ पर रूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। वो दोनों रात साथ में बिताते हैं, एक दूसरे को और भी जान रहे थे। सुबह होने पर ब्रेकफास्ट करने के लिए त्रिश बाहर आई। वहां पर एक अमेरिकन आदमी बैठा हुआ था। उसे कहता है कि मैं भी एक कंसल्टिंग फर्म के लिए काम करता हूँ, यहाँ पर क्या क्या इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है इस सब के बारे में स्टडी करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। यही बात डैनियल ने भी त्रिश से कही थी। इसका मतलब है ये भी उसकी तरह इलीगल चीजों में इन्वॉल्व है। एक अमेरिकन था तो त्रिश को हेल्प कर सकता था। उसे कहता है कि मैं मेरे काम के लिए किसी को भी हायर कर सकता हूँ और उन्हें मेरी कंपनी पे कर देगी। डैनियल के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो त्रिश को $20,000 देने के लिए रेडी था। वो दोनों बात कर रहे थे पर थोड़ी देर में वहां पर डैनियल भी आ गया। अमेरिकन कंसल्टेंट उनसे कहता है कि तुम लोग बॉर्डर कैसे क्रॉस करोगे, ये करना इम्पॉसिबल होगा। इसके बाद रात में त्रिश और डैनियल वहां से निकल जाते हैं। एक जगह पर उनकी गाड़ी फंस गई थी तो वहीं पर वो रात बिताते हैं। सुबह होने पर वो एक चेक पॉइंट के पास आए। वहां पर उनके वैक्सीनेशन को चेक किया जा रहा था। त्रिश का वैक्सीनेशन एक्सपायर हो गया था तो उसे कैंप में ले जाया गया। वहां पर वो फिर से अमेरिकन कंसल्टेंट से मिलती है। उसे कहता है कि मैं डैनियल को अरेस्ट करना चाहता हूँ, वो यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज कर रहा था, इसका मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, उस पर तुम अगर साइन करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, एक्स्ट्रा पैसे भी मैं तुम्हें पे कर दूंगा। त्रिश इस सब के लिए उसे मना कर देती है। आगे पुलिस थे और उन्हें पकड़ सकते थे तो डैनियल ने अपनी कार की हवा निकाल ली। वो प्रिटेंड करते हैं कि पंचर हो गया है और इसी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। पुलिस फिर उसे जाने देते हैं। वहां पर कुछ लोकल लोग थे जो रिवर से उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हेल्प कर सकते थे, उनसे बात करते हैं। रिवर क्रॉस करने के लिए डैनियल अपनी कार उन्हें दे देता है। ये बहुत ही डेंजरस था पर फिर भी वो क्रॉस कर रहे थे। जब वो बॉर्डर तक पहुंचे तो उन पर डायरेक्टली शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इस शूटिंग में उन्हें हेल्प करने वाले कुछ लोगों की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद वो भागते भागते एक जगह पर आए, वहीं पर वो सो गए थे। अगली सुबह वहां की आर्मी उन्हें ढूंढ लेते हैं। उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। त्रिश से मिलने के लिए फिर से वो पुलिस ऑफिसर और अमेरिकन कंसल्टेंट आते हैं। उसे जबरदस्ती उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए कहते हैं। त्रिश का पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट उन्होंने उसे वापस कर दिया। अब वो फिर से अमेरिका जा सकती थी। बॉर्डर पर त्रिश और डैनियल दोनों एक दूसरे से फिर से मिले। वो डैनियल से कहती कि मैं फिर से तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, पर डैनियल उसे कुछ भी नहीं कहता। वो कहती कि तुम जो भी कह रहे थे क्या कुछ गलत था। डैनियल उसे कुछ भी आंसर नहीं करता और वहां से चला जाता है। डैनियल ने उसे पहले ही बताया था कि वो जो भी कर रहा है ये लोगों के अच्छे के लिए ही कर रहा है। शायद इसी वजह से ऑपोजिट गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम था। उसे अरेस्ट कर वो लेकर जाते हैं। उसके साथ क्या होगा ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। त्रिश फिर से टाउन में वापस आती है। वापस सब्डिन आंटी उसका वेट कर रहा था। त्रिश के डॉक्यूमेंट्स उसे वापस कर देता है। उसने कहा कि मैं तुम्हें मिस करूंगा, तुमने हमेशा मुझे सहारा दिया था, एक तरीके से तुम मेरे लिए अच्छी थी। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। त्रिश और डैनियल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पर उनके हालात बहुत डिफिकल्ट थे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन देने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिए।